सो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग और स्वागत है आपका मेरे कौन है एपिसोड में। और आज हम फिर से एक बार खेलने वाले हैं फॉर्नेट लाइफ सिमुलेटर। और हाँ, आप सबको पता ही होगा कि हमने पिछले वाले एपिसोड में एक PSP लाई थी, मतलब ओल्ड PSP थी, बाकी तीन ये ओल्ड सेटअप हैं और एक ये न्यू ऑफिस टेबल्स हैं जो कि ये बैठे हुए हैं। तो देख लो यहाँ पे ये रहा किट जो कि अपनी गेम खेलने में लगा हुआ है। और आज भी हमें बहुत सारा काम करना है अपने इस कैफ़े को लेके। तो चलो तुम्हें मैं चीज़ें दिखाता हूँ। पहले मैं यहाँ एक्सेप्ट करता हूँ और हमारे पास कुछ पॉकेट्स हैं, जैसे कि मैं इसको भाई बढ़ा सकता हूँ अपनी इन्वेंट्री को। और इनके लिए SP लगेगी जो कि मेरे पास बिल्कुल नहीं है। पैसा तो मेरे पास बहुत है, तो ठीक है पहले ना मैं इसको, एक को तो मैंने ओपन करा था, दूसरे को भी ओपन कर ही लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो ठीक है, अब मेरी इन्वेंट्री में 4 स्पेस बच चुके हैं, जिसकी वजह से मेरे को बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। मतलब 2 से ज़्यादा 4 सामान आराम से उठा लूँगा मैं। तो ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास और भी बहुत काम है। और PSP वाला जो प्लेयर है, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उसे ओपन करा जाए। बट एक सेकंड, तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ना मैं आया था जब घूम रहा था ऐसे ही, और यहाँ पे देखो एक रेड कलर का वार था और मैंने इस पर पंच बार बार करके देखा था, बट कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे रुको, यहाँ देखो मैं पंच कर रहा हूँ और इसका जो शटर है वो काफ़ी ज़्यादा भाई उल्टा सीधा हो चुका है। वेट, और एक सेकेंड, यहाँ पे इसका शटर ही पूरी तरह से टूट गया भाई। ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कूड़ा पड़ा हुआ है। तो ठीक है, इसे मैं साइड रखता हूँ साइड पे को। और मेरे को एक चेयर दिखी है, अब मेरे को पता नहीं वो कौन सी चेयर है, ऑफिस टेबल भी हो सकती है। और यहाँ पे एक कंप्यूटर है और ये मेरे को प्रो कंप्यूटर लग रहा है भाई इस टाइम। तो ठीक है, और इसको हटाओ। ठीक है, यहाँ पे और कुछ तो नहीं पड़ा। देखो चेयर्स पड़ी हैं और भी साइड से, मेरे को एक चेयर तो मिली है, मेरे को एक PC मिला है, पर मेरे को यहाँ पे और कोई सामान नहीं मिला। मेरे को लगा यार मॉनिटर्स भी मिल सकता है और माउस कीबोर्ड, ये सब से ऐसे पूरा सेटअप ही मिल जाए मेरे को इस गेमिंग का। पर यहाँ पे मेरे को ज़्यादा कुछ मिला नहीं, बस एक चेयर मिली और एक CPU मिला। तो ठीक है, हमें फिर बाय करना पड़ेगा और हम कुछ कर नहीं सकते। और ये कूड़ा बाहर कहाँ घूम रहा है। तो ठीक है, वॉर्नेट मुसेंग से कुछ हमें मिला जो कि हमारे फ़ायदे का ही है। और मेरे को तुम सब कमेंट करके बता सकते हो और कौन सी इधर पे हाइडन प्लेसेस हैं जो कि मैं जाके वहाँ पे सामान ढूंढ सकता हूँ। तो चलो यहाँ पे ना मैं पहले देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास देखो टैबलेट है जिसमें कि मैं ऑप्शंस बाय कर सकता हूँ यहाँ से। जैसे कि मैं अब टैबलेट ओपन करूँगा तो अपने आप देखो यहाँ पे पूरा आ गया रिक्वेस्ट। मैं अपने कंप्यूटर की ले सकता हूँ अपने टैबलेट से आराम से, और इनकी मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकता हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब अगर मैं बाहर कहीं रहता हूँ तो हमारा काम काफ़ी ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। तो चलो इसे रखो, और मेरे को भी इनका सामान पहले टेबल और मेरे हिसाब से कीबोर्ड मॉनिटर ये सब मंगाना पड़ेगा। प्रो वाला मंगाऊंगा, कोई छोटा मोटा सामान नहीं मंगाने वाला मैं। तो ठीक है, यहाँ पे मेरे पास रिक्वेस्ट तो नहीं आई कोई, ठीक एक रिक्वेस्ट आई थी वैसे, चलो छोड़ो। और यहाँ पे PC शॉप ये रही। तो ठीक है, यहाँ से मेरे को मंगाना भी मॉनिटर। ओ भाई मॉनिटर काफ़ी ज़्यादा है, मॉनिटर 4K है। अच्छा, ये ओल्ड मॉनिटर HD मॉनिटर एंड 4K मॉनिटर था वो। और यहाँ RGB लाइट होगी, टेबल हो गया मेरे पास, एक गेमर माउस हो गया, एक गेमर चेयर, और मेरे पास PC तो पड़ा ही हुआ था। ठीक है, ऑनलाइन यहाँ पे प्रोडक्ट्स में पड़े होंगे सारे के सारे सामान। तो चलो, और मेरे पास इस टाइम है 4K मॉनिटर जो कि साइज से बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। और यहाँ पे एक सेकेंड, ये साइज से इसका टीचर है, उसने गेम खेलते हुए पकड़ लिया। वैसे आप सबके साथ कभी हुआ होगा कि आप कभी गेम खेल रहे होंगे और आपके पेरेंट्स भाई पता नहीं बिना बताए वहाँ पहुँच गए हों, और फिर जो बात हुई ऐसा किसी के साथ हुआ है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ देखो, यहाँ पे एक स्कूल है जहाँ पे कि बच्चे हमारे साथ गेम खेल सकते हैं, आके हमारी शॉप में गेम खेल सकते हैं। तो चलो अभी ना मैं चल के इसे लगाता हूँ। और हाँ, मेरे को बताना मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैं जब एक टाइम पे गेम खेलता भाई मेरे पेरेंट्स ने मुझे देख लिया था। ये चलो स्टोरी टाइम की वीडियो बनाएंगे, उस टाइम मैं तुम्हें दिखाऊंगा। और यहाँ पे ये बंदा उसको भाई इरिटेट कर रहा है, ये बच्चा उसे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था। बट एक सेकंड, मेरे को बॉम्ब की आवाज़ अभी भी आ रही है, और ये फटना नहीं चाहिए था और ये फट गया। पर एक चीज़ अच्छी है कि ये स्टोर में तो फंसा, फट गया, पर हमारे किसी भाई सेटअप सुटअप पे नहीं फटा, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ। तो चलो, बट एक कस्टमर भाग गया इसकी वजह से, पर कोई बात नहीं, उसने पैसे भी नहीं दिए थे वैसे। तो ठीक है, इसको ना मैं यहाँ पे लगाता हूँ परफेक्ट तरीके से। तो भाई इतना कितना पीछे जाना है। और हाँ, तुम्हें मैं एक चीज़ बताना भूल चुका हूँ कि यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत स्पेस बढ़ाया है अपने इस कंप्यूटर का। पता नहीं मैं क्या उल्टा सीधा, मतलब कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा था इस गेम में और मुझे पता नहीं चला। ओ भाई, मैंने ना गलती से पता नहीं क्या चीज़ ओपन कर दी जिसकी वजह से ना इसका स्पेस बढ़ गया। अब मेरे को पता नहीं, वो कंप्यूटर में कुछ ना कुछ अनलॉक कर रहा था और यहाँ कंप्यूटर के चक्कर में मेरा थोड़ा स्पेस और ज़्यादा बढ़ चुका है। बट कोई बात नहीं, हमें तो स्पेस की ज़रूरत थी।
जो आज नहीं तो कल हमने बनाना ही था। तो ठीक है, यहाँ मेरे पास गेमिंग चेयर है, तो इसको उठाओ और इसको लगाता हूँ। ऐसे एक टीचर और आया भाई, यहाँ एक बच्चे को और पकड़ा होगा मुझे लग रहा। तो ठीक है, ये बच्चा भाई इरिटेट कर देते हैं यार बच्चे, जिसकी वजह से ना यहाँ पे कस्टमर्स भी थोड़े भाग जाते हैं और हमारा जो भाई ये सब है चलता भी नहीं है, मतलब गेमिंग का काम पैसा भी नहीं देके जाते यार हमारे कस्टमर्स फिर। तो गाइस यहाँ पे मेरा काफ़ी सारा काम बन चुका है और मेरे को आज चाहिए यार कुछ ओल्ड PSPs जो कि मैं अपने शॉप पर लगा सकूँ। ये रहा मेरा पूरा गेमिंग सेटअप जो कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो प्ले कर सकते हैं। अब मुझे ना यार पहले ना इसकी पहले रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूँ, और ये पर्सन नवा ओपन हुआ है शायद से, शायद ये पर्सन नवा ओपन हुआ है और मेरी गलती वजह से ये ओपन हुआ होगा। अब तुम देख लेना भाई कहाँ से ओपन हुआ है, मेरे को कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना। तो चलो, और मेरे को अभी देख लो PHP की शॉप पर जाना है, वहाँ पे थोड़ा सामान ओपन करना। और यहाँ एक अंकल खड़े रहते थे यार, वो मेरे को दिखे नहीं, वो अंकल कहाँ गए। तो ठीक है, यहाँ पर मैं आ चुका हूँ इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर और यहाँ से मेरे को सामान ख़रीदना है। बट इन सबको शायद से ख़रीदने के लिए मेरे को इनके साथ ट्रेडिंग करनी पड़ेगी ना शायद, देखो मेरे को इनको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी तभी मैं शायद से इन्हें खरीद सकता हूँ। 2 मिनट मैं इनसे ना बात करता हूँ, फिर इसकी ट्रेडिंग करेंगे। और ये पता नहीं, ये तो PS5 है भाई, ये PS5 है। चलो मैं इनसे बात करता हूँ, इन्हें चाहिए 4 सर्टिफिकेट इमेजेस। तो ठीक है, 2 तो हमारी शॉप पर ही लगी हुई हैं, 2 मेरे को बाय करनी पड़ेगी। तो सर्टिफिकेट बाय करना है तो मैं देख लेता हूँ भाई चल के, 2 मेरी शॉप पर लगी हुई है क्योंकि मैंने अपनी गलती की वजह से भाई बहुत सी चीज़ें हैं जो कि ओपन करने की कोशिश करी थी और उसके चक्कर में भाई बहुत सारा काम हो गया। तो चलो यहाँ पे ना मैं जल्दी से देखता हूँ, यहाँ पे मेरे को जाना है डेकोरेशन शॉप और यहाँ पे ये तो रही वाली, बट इस पर लिखा है पेंट्स स्टोर एजेंट और सर्टिफिकेट टायर डी ये है। तो उसे बाय कौन सा करना था यार, पेंट स्टोर शायद से करना था या सर्टिफिकेट उसने लिखा हुआ था, मेरे को समझ नहीं आ रहा। और यहाँ फैंस एयर कंडीशनर भी हैं जो कि मैंने अपनी शॉप पर अभी तक लगाए ही नहीं है यार, इन्हें भी लगाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि हमारा जो शॉप है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी रहे और जिससे कस्टमर्स काफ़ी ज़्यादा। ये क्या हुआ, मेरे को आवाज़ सी आई कुछ, पता नहीं क्या हुआ अभी। तो चलो अभी ना मैं इसको इसके साथ डील करता हूँ, अभी 2 मिनट को इसको मैं एक ये देता हूँ, एक ये पकड़ो। तो ठीक है, मैं ना अपनी शॉप पर चलता हूँ, इसे जो चाहिए ना, मतलब जो मेरी शॉप पर लगा था वही चाहिए इसे, तो इतना तो मैं कंफर्म हो चुका हूँ, देखने आया था भाई। और यहाँ पे ये क्या सीन है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ कि शायद से बिजली जा चुकी है क्या। 2 मिनट रुको, यहाँ पे कोई भी कस्टमर नहीं है और मैं अपने भाई यहाँ मैं अपने CPU पे बैठा हूँ और मेरी साइड से ना भाई इधर की बिजली जा चुकी है। तो ठीक है, मैं ना अभी बात करके आता हूँ वहाँ पे बिजली वाले बंदे से और साइड से वो आके ठीक कर जाएगा मेरे को जहाँ तक लगता है। तो 2 मिनट को उससे मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिशियन से। और ये फिक्स योर ऑन लाइट, हाँ भाई चल, ये मेरे को क्या कह रहा है कि मैं अपने आप 20 बारी लाइट को ठीक करूँ, पर मेरा कोई ऑप्शन आ रहा था क्या वहाँ पे। 2 मिनट रुको, मैं ना एक बार चेक करता हूँ यहाँ पे आके। तो ठीक है, ऑप्शन आ रहा है और भाई बहुत ज़्यादा सिंपल है यार, कलर के साथ इन्हें मैच करना है लाइट्स को। तो ठीक है, मैं इनको लगा देता हूँ। तो लाइट दोबारा आ चुकी है, ये काफ़ी ज़्यादा सही था कि लाइट आ चुकी है दोबारा, मैं अपने PC पे बैठ पाऊँगा। 2 फ़ोटो भाई मेरे को मंगानी थी तो मैं यहाँ पे 2 ऑर्डर कर देता हूँ। तो ठीक है, फाइनली मैंने ऑर्डर भी कर दिया है और यहाँ मेरा काम भी बन चुका है। तो चलो यहाँ पे मैं रखता हूँ, लाइट भाई ठीक करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस मेरे कस्टमर्स आते रहें। और ये ऑल बॉम लिखा होता मुझे समझ नहीं आया था भाई ये टी शर्ट पे, मेरे को लगा ये इलेक्ट्रीशियन है क्या जो घूम रहा है हमारे यहाँ शहर में। तो चलो अभी ना मेरे को ये 2 फ़ोटोज़ देनी है और यहाँ पर चल के इन्हें 2 फ़ोटो देते हैं फाइनली। तो ठीक है, अभी ग्रेट हेयर्स UWP यार, ये क्या है VW यार, मेरे को समझ नहीं आ रहा इसको। अभी मेरे को एक और चीज़ ला के देनी पड़ेगी, मतलब ओल्ड टेबल ला के देने से, जिससे कि ये मेरे को WP यार मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई इसके साथ करना क्या है। तो ठीक है, यहाँ पे मेरे कुछ कस्टमर्स भी आए, इनको ना एक्सेस दे देता हूँ पहले यार अपने कंप्यूटर्स का। तो ठीक है, मैंने कुछ ज़्यादा कंप्यूटर है, 6, 7, 8 मेरे पास सामान है, मतलब 7 PCs है मेरे पास, 1 गेमिंग कंसोल है। तो चलो, और यहाँ पे मेरे को अभी मंगाने थे टेबल्स, तो यहाँ पे मेरे पास ओल्ड टेबल चाहिए ना, उसे अभी 3 टेबल चाहिए थे, ऐसे 4 टेबल चाहिए थे, हाँ 4 टेबल चाहिए थे, तो 4 टेबल उसे चल के देता हूँ। और यहाँ पे और कस्टमर्स आए हैं तो सारे के सारे मेरे पास बुक हो चुके हैं मेरे सारे PCs और PSP कंसोल्स। तो ठीक है, इतना ज़्यादा अच्छा काम तो भाई कहाँ मिलने वाला है। तो चलो इन्हें गेम वेम खेलने, तो भाई बच्चा आया गेम खेलने यहाँ पे, उसका टीचर आ गया ना सही में, उसकी गेम कर देगा। और यहाँ बच्चे भागते हुए आते हैं ना, मेरे को डर लगता है यार कहीं मेरी शॉप में घुस के लड़ाई ना करवा दें यार ये। तो चलो, और ये पता नहीं कैसे इतने बड़े होके भाई डर के भाग जाते हैं। और ये बच्चा देखो यहाँ ये निकलने में लगे भाई साहब, रुको 2 मिनट तुम्हें अभी भेजते हम भाई इस मैच मोड। तो ठीक है, अभी मैंने पता नहीं कितने बच्चों को पीट दिया होगा अपनी शॉप पर आते हुए,
यार फालतू खड़ के ना वहाँ गेम देखते हैं फालतू में, और वो बंदा ना इरिटेट होता है, फिर उसकी वजह से ना वो चला जाता है हमारी शॉप से। तो चलो इसे 4 टेबल्स देने थे मैंने, तो ठीक है इसको मैंने 4 टेबल, ग्रेट योर हेयर विद WP। तो मैं साइज से फास्ट PC देने ना इसे 3 लाख है, तो मैं इसे फास्ट PC भी ला के देता हूँ। मैं इसके साथ ट्रेड कर रहा हूँ अपनी WP की, मतलब जो मेरे पास ये WP आती है ना साइज से, उस चीज़ की ट्रेडिंग है। तो चलो, और मेरे पास पैसा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है इस टाइम। और इन भाई साहब को क्या हुआ, साइज से बच्चे ने इसे परेशान कर दिया, मैं था नहीं शॉप पर, और भाई से परेशान पूरी तरह से कर दिया होगा। और यहाँ आंटी जी गेमिंग PC पे बैठने आई हैं भाई साहब, ये देख रहे हो, ठीक है, इन्हें एक्सेस मिला हुआ है। अरे इन्हें एक्सेस पहले से ही मिला हुआ है यार। तो चलो अपना गेम वेम खेलेंगी वो, वैसे गेमिंग PC में गेम तगड़ी तगड़ी तुम सब खेल सकते हो, पर आंटी जी पता नहीं क्या चलाने में अलग ही लगी हुई हैं। तो इन्हें फास्ट PC देने था ना मेरे को, 3 देने हैं टोटल, तो ठीक है मैंने 3 बाय कर लिए। और तुम्हें एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ मैं, जो कि तुम सबको बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगने वाली है। 2 मिनट इन पीसीस को दूंगा और फिर चलेंगे वहाँ पे। तो ठीक है, यहाँ पे मेरा फाइनली काम कंप्लीट हो चुका है। और इन अंकल जी के फेस पे ऐसा लग रखा ना, फेस पे फेस लगा रखा है अंकल जी ने, तुमने अगर ध्यान से देखा होगा उन्हें तो। ठीक है, यहाँ पे मेरा PC बन चुका है, मतलब फास्ट PC इन्हें देना है ना। तो ठीक है, इनको ना मैं पहले ये देता हूँ। लो जी अंकल जी, अपना सामान पकड़ो। रिया क्या चाहिए, एस्ट्रॉयड। ये एस्ट्रॉयड कहाँ से मिलेगा मेरे को यार, तुम सब कमेंट में बताओ कि एस्ट्रॉयड कहाँ से मिलेगा। अगर तुमने मेरे को कमेंट करके एस्ट्रॉयड बता दिया, क्योंकि इसके पीछे मैं बहुत भागा हूँ, अभी तुम्हें पहले ही बता दूँ, ये मैंने बहुत जगह ढूंढा, शॉप में भी कभी कहीं नहीं मिला। अगर तुम सब मेरे को बताते हो कमेंट करके, तो मैं उस बंदे को भाई शॉर्ट आउट दूंगा, बट जो सबसे पहले बताएगा उसको ही मैं शॉर्ट आउट देने वाला हूँ। तो चलो जल्दी से, और एक ही शॉर्ट आउट मिलेगा भाई, कभी तो बोलो 10 शॉर्ट आउट दो, तो एक शॉर्ट आउट मिलेगा अगर तुमने बता दिया कि एस्ट्रॉयड कहाँ से मिलेगा इस फॉर्नेट लाइफ में। तो ठीक है, मैं जल्दी से भाई ढूंढता हूँ, अगर कुछ मिलता है सॉल्व अगर इसे मैं कर पाता हूँ तो ठीक है, बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। गाइस देखो, इतनी जगह मैंने ढूंढा अपने कंप्यूटर में भाई, ढूंढ डाला, पर मेरे को वो चीज़ मिली नहीं जो कि मैं चाहता था, मतलब एस्ट्रॉयड मेरे को कहीं पे भी नहीं मिला। तो चलो यहाँ पे मेरे को पहले इन्हें एक्सेस दे दूँ, तो ठीक है फाइनली। और अभी मैं क्या कर सकता हूँ मुझे खुद को नहीं पता, पर ठीक है अभी उससे मैं बात करता हूँ। अगर भाई PC में उससे यार, फिर ना इस ऐसे बिजली फिर गई यार, ये इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा पंगा है यहाँ पे, इशू तगड़ा वाला है यहाँ पे, जिसके कारण मेरे कस्टमर भी भाग गए हैं। तो 2 मिनट मेरे को इसे ठीक करना पड़ेगा, पर सिंपल है यार, काफ़ी ज़्यादा पजल टाइप है जो कि काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, जिसके कारण मैं ठीक कर लेता हूँ उसे। तो ठीक है, लाइट दोबारा से आ चुकी है, कस्टमर अपने आप आना स्टार्ट हो जाएंगे। अभी के लिए मैं चलता हूँ जल्दी से शॉप पर, और तुम्हें एक चीज़ दिखाने की बात करी थी, वो भी मैं दिखा देता हूँ चल के। तो चलो अभी मैं इनकी शॉप पर तो आ चुका हूँ फाइनली। 2 मिनट रुको, एस्ट्रॉयड तो मेरे को मिलने वाला बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। तो ठीक है, बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ अमाउंट आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है मैं इन्हें बाय कर सकता हूँ। 2 मिनट रुको, फालतू में मैं एक चीज़ बाय करके देखूँ क्या। 2 मिनट, यहाँ पे ओल्ड PC का प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, $4,000 है, 4,000 LP ऐसा ऐसे इतना ही कुछ है। तो ठीक है, और मेरे को इतना मैं तुम्हें बता दूँ, इस गेम में ना भाई पैसा काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो ठीक है, मैंने 2 बाय कर लिए हैं, 2 मैं सिटिंग वाले बाय कर लेता हूँ, 3 रख लेता हूँ, 3 ठीक रहेगा मेरे को। ठीक है, 3 टेबल मैंने बाय करे हैं, 3 मैंने चेयर्स ये छोटी छोटी सी बाय करे हैं। तो चलो इनको मैं रखता हूँ, और इसको भी ले चलो, अभी मेरे को शॉप पर जाना है। शॉप के आने के बाद मैं दिखाता हूँ तुम्हें वो क्या चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। तो ठीक है, पहले ना मैं इसे चल के लगाता हूँ, फिर चल के हम बात करेंगे। तो ठीक है, इसको मेरे को रखना है ना। तो यहाँ पे कस्टमर्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, बट यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं बची हुई है। तो मैं रुको, इसके लिए ना मेरे को स्पेस देना पड़ेगा, पर एक सेकंड, ये इधर थोड़ा मेरे को स्पेस में रखना पड़ेगा, नहीं तो ये ना रखने वाला लगने वाला नहीं है ये टेबल। तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा स्पेस देना पड़ेगा दोनों को मेरे को, हैं भाई इतना ज़्यादा स्पेस नहीं देना चाहिए वैसे, पर देना पड़ेगा इस टाइम भाई साहब, ये देना पड़ेगा स्पेस मेरे को। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मेरे पास टेबल तो है नहीं, अभी टेबल लेके आना है। और तुम्हें मैं कुछ दिखाने की बात कर रहा हूँ चल के, अब वो भी दिखा ही देता हूँ, इतनी देर से मैं सस्पेंस में रख रहा हूँ यार, स्किप ना कर देना, पर तुम कहीं स्किप करके चले जाओ, बोलो भाई इतनी देर से दिखा नहीं रहा तू। तो ठीक है, अब तुम देखो सामने की तरफ, ये तुम होल सा देख रहे हो ना भाई, ये मैंने पता लगाया, और ये इस भाई इस बिल्डिंग के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, एक सेकंड यार, यहाँ पे मेरे को आवाज़ आ रही है किसी चीज़ की। 2 मिनट, यहाँ पे ये क्या चीज़ आवाज़ कर रही है भाई, किसी ने हॉरर टाइप आवाज़ आ रही है। और एक सेकंड, मेरे दुकान के सामने ये क्या चीज़ है भाई, ओ माय गॉड भाई, ये पता नहीं क्या चीज़ थी जिसने मेरी शॉप के सारे कस्टमर्स भगा लिए।
बहुत ज़्यादा स्कैरी था, और मेरे को जहाँ तक लगता है भाई वो घोस्ट हो सकता है। आई न्यू इट कि वो घोस्ट हो सकता है, क्योंकि हमें एक यहाँ पे एक अंकल जी खड़े थे, उन्होंने बताया था, तो मैं अंकल से भी मिलवाऊंगा। पर एक सेकंड, यहाँ पे तुम्हें मैं इस बिल्डिंग का करिश्मा दिखाता, तो देखो ये रहा वॉचमैन, या शायद से पुलिस वाला हो सकता है, और अगर मैं इसे हिट करता हूँ तो मैं जेल में चला जाऊँगा। तुम सब देख रहे हो कि मैं यहाँ प्रिजन में बंद हूँ, भाई से उठाओ 2 मीटर को, और यहाँ पे मैं प्रिजन में बंद होके मेरे को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा, पर ठीक है यहाँ से मेरे को निकलना होगा 2 मिनट। और ये क्या बंदा है, क्या कह रहा है, पे मी एलपी भाई इतना 58,000 या 58 एलपी ऐसे कुछ, एंड आई एल हेल्प यू एस्केप। तो देखो हम कहीं से निकल तो सकते नहीं, पर एक चीज़ हो सकती है कि इसके भाई से थोड़े से पैसे दें और यहाँ से निकल जाएँ, और ये वाला होल हमारे इसी के साथ ज्वाइन है भाई। ये पीछे आके अगर देख लेना, यहाँ से चोर ना भाग पाए भाई साहब, पीछे आके देखते ही नहीं है। पर ये चीज़ अच्छा है, पैसा काफ़ी ज़्यादा अच्छा लेते हैं उसे छोड़ने का। तो चलो यहाँ पे मैं ये सब उठाता हूँ, अभी मेरे को यहाँ पे कंप्यूटर सेटअप भी लेके आना है और ये सब भी लगाना है, तो ठीक है। एक ना अभी मैं रिमोट ले लेता हूँ, ठीक रहेगा मेरे लिए। तो चलो अभी ना मेरे पास एक टॉयलेट भी है बाद में, और बाकी ये एंडी का यार सारा काम हो चुका है क्या, मेरे को अब कुछ सामान नहीं दे रहा, मेरे को कमेंट में बताओ ये क्यों कुछ देगा मेरे को या नहीं देगा, मेरे को कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताना। और यहाँ पे हमारा एक किंग प्लेयर जा रहा है अभी शॉप पर, हमारी साइड से हमारी शॉप पर जा रहा है, ये पता नहीं भाई कौन सी शॉप पर जा रहा है। और यहाँ पे कस्टमर, यहाँ कस्टमर नहीं है यार कोई, मेरे को लगा था यहाँ कस्टमर होगा। और इनके लिए मैं टॉयलेट ले, एक कस्टमर आया अभी भाई, इनके लिए मैं टॉयलेट लेके आया हूँ कि साथ के साथ अगर इन्हें कुछ लगेगा तो कर लेंगे, पर मेरे को इसके लिए ना अलग चीज़ बनानी चाहिए भाई। सबके सामने कौन करता है यहाँ पे, देखो मैंने रख दिया है, शायद से देखने में अच्छा लगेगा, मैं डिफरेंट टाइप का टॉयलेट बना लूँगा, कोई बात नहीं यहाँ पे। तो ठीक है अभी ना मैं इसको लगाता हूँ, और मेरे को देखो ऐसे ही करके ओल्ड, मतलब ओल्ड कंसोल्स लेके आने पड़ेंगे, और वो सारे कंसोल्स इन पे लगाने हैं चल के। तो चलो अभी चलता हूँ, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा ना इन गेम्स को खेलने के लिए बच्चे ही आते हैं, क्योंकि बड़ा कोई गेम खेलता नहीं है मेरे हिसाब से। और मेरे हिसाब से जब PS5 लगेगी तो हमारी शॉप पर काफ़ी बड़े बड़े लोग भी आ सकते हैं। तो ठीक है यहाँ पे ओल्ड है ना मेरे पास 2 मीटर को, ओल्ड 3 मैं बाय करता हूँ, और एक मैं पिछली बार हाथ ना खाली लेके गया था इधर पे ना, मैं एक रिमोट बाय कर लेता हूँ, और एक और तो हाँ ये रहा। तो ठीक है मैंने एक और बाय करा था जो कि मेरे को मिल नहीं रहा था, तो ठीक है फाइनली मैंने चारों बाय कर लिए हैं। तो चलो अब चल के जल्दी से बनाते हैं अपना एक PL, नहीं एक नहीं, मेरे पास 4 PSP कंसोल हो जाएंगे भाई, और एक खुद का गेमिंग सेटअप है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक, जिसमें हमारे कस्टमर्स गेम वेम खेल सकते हैं। तो चलो अभी ना मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, और मेरे को तीनों को साथ रखना पड़ेगा। तो ठीक है एक ये हो गया, एक ये हो गया, अभी मेरे को मॉनिटर भी लेके आना, मॉनिटर 3 लगेंगे, अभी मेरे को 2 फिर कंसोल्स लेके आने पड़ेंगे, तो हमारा काम कंप्लीट होगा यहाँ का। तो ठीक है यहाँ मेरा सेटअप पूरा हो चुका है, एक साइड का हो चुका है, इस पर खाली मॉनिटर रखना है, बाकी के लिए मेरे को मॉनिटर कीबोर्ड लाने पड़ेंगे, दोनों के लिए कीबोर्ड नहीं कंसोल्स लाने पड़ेंगे। चलो अभी ना मैं जल्दी चलता हूँ, कंसोल्स भी ले लेता हूँ उससे, और अपना यहाँ का काम कंप्लीट करता हूँ। और ये भाई साहब जो जा रहे हैं इनकी ही बात कर रहा था, और यहाँ पे एक चच्चा खड़े थे 2 मीटर को, ये रहे वो चच्चा। तो इनके लिए हमें 13 घोस्ट को किल करना है जो भी हमारी शॉप पर आएंगी, तो कोई बात नहीं हम मार देंगे उसे। तो यहाँ पे मैं 1, 2 और यहाँ पे 3 ओल्ड PC नहीं पीटी नहीं मॉनिटर्स बाय करने थे, मॉनिटर नहीं टेलीविज़न है, ठीक है टेलीविज़न में गेम खिलाते हैं भाई साहब हमको। तो चलो इसको भी मैं उठाता हूँ अभी। हाँ मैं तुम्हें क्या बता रहा था कि हमें 13 घोस्ट को मारना है, तब जाके ये कुछ ना कुछ तो हमारे लिए करेंगे, और मोजैक का भी ओपन करना है, एक टीचर है उनके लिए शॉप पर जितने बच्चे आते हैं उन्हें मारना है, तो शायद से हमारे लिए कुछ ना कुछ तो करेंगी। तो चलो अभी ना मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ, अभी बहुत सारे हमारे जो है कि हमें क्लेम करने हैं, टास्क पूरी तरह से कंप्लीट करने हैं एक तरह से। तो चलो अभी ना मैं इस सेटअप को लगाता हूँ, अभी मैं एक ये लेके आया था ना इसको मैं यहाँ रखता हूँ, बस एक ही लेके आना है मेरे को जाके, बस मेरा सेटअप पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है यहाँ पे टेबल के नंबर हैं क्या ये, हाँ यार एक तरह से टेबल के नंबर लिखे हुए हैं, मैं सोचता था ये क्या चीज़ है, बट ना यार टेबल्स के नंबर भी लिखे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा सही है भाई ये तो, ठीक है। और यहाँ पे साइड से अभी भी एक घोस्ट आ रहा है, मेरे को आवाज़ आई, देखो घोस्ट की आवाज़ आई है। तो 2 मिनट रुको, ये यहाँ किस साइड से रहा है, पहले ना यहाँ से आया था, पर रात के 1 बज चुके हैं, ठीक है घोस्ट का घूमना तो भाई तुम्हें पता ही है। यहाँ बंदों के बीच में से निकल के ना आ रही हो यार, कहाँ से आएगी ये, मेरे को मिल क्यों नहीं रही घोस्ट, खाली डरा रही है भाई ये। 2 मिनट यहाँ पे मेरे को आवाज़ एक और आई, बॉम्ब वाले इंसान की किसी की आवाज़ आई, वो वाला बॉम्ब वाला बंदा आ रहा है, और ये रहा घोस्ट भाई 2 मिनट।
ठीक है, इस स्पिरिट को हमने किल कर दिया, एक तो हमने मार दिया, 12 और मारने हैं। और ये अंकल जी कहाँ जा रहे हैं? 2 मिनट रुको रुको, हमारी शॉप पर नहीं जाना, गुड जॉब बीट मोर। तो पुलिस वाली जो हमारी सिक्योरिटी गार्ड है, एक तरह से पुलिस वाली नहीं है वो, हमारी शॉप की सिक्योरिटी गार्ड है, उसने बोला है और तुम्हें 24 या 23 साइज से उसे मारना पड़ेगा बॉम्ब वाले बंदों को। और यहाँ हमें 12 अब जाके इन चच्चा के लिए भाई इन घोस्ट वूमेंस को ख़त्म करना है जिससे कि ये ओपन हो जाएंगे। तो चलो यहाँ से मैं एक कीबोर्ड उठाता हूँ और मेरा नहीं, कीबोर्ड मैंने बाय कर ही लिया था, फिक्स द इंटरनेट। तो ठीक है, इंटरनेट भी इस टाइम बंद हो चुका है तो उसे भी चल के ओपन करते हैं। वैसे सच बोलूँ तो रियल में मेरा भी इंटरनेट बंद हो गया था, तो जैसे तैसे करके भाई गरीबी में मैंने रिचार्ज करवाया जो ही 400-500 रुपये का, और तुम्हें पता नहीं भाई बहुत ज़्यादा पैसे लग गए गरीबी में, आटा गीला हो गया। तो चलो यहाँ पे मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, रोना धोना नहीं करना चाहिए वैसे मुझे। तो ठीक है, यहाँ पे मेरे को ना अभी वाईफाई वाले को फास्ट बुलाता ना, थोड़ा इंस्टेंट बुलाऊँगा तो बहुत जल्दी आएगा शायद से वो। फास्ट और इंस्टेंट में थोड़ी बहुत वो है कि हाँ फास्ट काफ़ी ज़्यादा इंस्टेंट आएगा वो। तो चलो यहाँ पे हमारा वाईफाई वाला बंदा आ चुका है, अभी नाचेगा। ठीक है भाई, म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है भाई साहब ने, और यहाँ नाच नूच के ठीक कर दिया, और हमारे जो कस्टमर हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके हैं फाइनली। तो चलो गाइस, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आप सबको ये वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी तक कर दो, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, कमेंट करके बताना भाई वीडियो कैसी लगी। और हाँ, चैनल को चाहो शेयर कर सकते हो, वीडियो को शेयर करते हो। मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।